सबको पता है, ऐसे नहीं कि पता नहीं है, अंदर से पता है, चाहते भी हैं रहना। कौन ब्राह्मण होगा जो नहीं चाहता होगा रहना। अब बाबा कहते हैं मैंने तो ब्राह्मणों को सबके पूर्वज ऑलरेडी बना दिया है कि सारी दुनिया की सभी आत्माओं के पूर्वज ब्राह्मण। और बाबा प्रूफ बताते हैं कि क्योंकि आप सब ब्राह्मण सारी दुनिया की सभी आत्माओं के सभी धर्म पिताओं के सभी वृक्ष की शाखाओं के पूर्वज हो, इसलिए आज भी ब्राह्मण की इज्जत है। चाहे वो नाम ही रख ले अपना ब्राह्मण, तो उसको जगह जगह बुलाया जाता है, श्रेष्ठ काम उससे कराया जाता है, चाहे वो उल्टा हथियार के द्वारा हो, लेकिन उसकी इज्जत किस कारण कि आपको बाबा ने ऊपर रखा हो। तो बाबा कहते हैं अब हम अपने उस रूप में आए। ब्रह्मा बाबा का अर्थ है रचेता, तो अब हम क्या रचे। तो बाबा कहते हैं केवल एक ही काम करना, क्यों कि संगम युग का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हम सब जानते हैं संगम युग के समय के बाबा ने इतना महत्व बताया है कि एक सेकंड गवाया एक जन्म गवाया, कितना उसका महत्व है। क्योंकि इसमें जो जमा करेंगे, बाबा ने हमको बताया जमा कितना ज्यादा होता है कि एक के साथ जीरो लगाओ दस, दस के साथ जीरो लगाओ सौ, फिर जीरो इस स्पीड से ब्राह्मण की कमाई होती है। कुछ समय के बाद तो भूल ही जाता है, गिनती भूल जाती है कि लाख करोड़ पदम आ गया, तो पदम के आगे क्या करें, फिर पदमा पदम कह देते। तो एक दिन में ब्राह्मण की इतनी कमाई होती है जो आप सोचो कि संगम पर की हुई कमाई सारा सतयुग चलती है। और इसमें सतयुग को छोटा नहीं है, स्वर्ग और जहाँ के बिल्कुल कमाई ही कमाई उसमें घाटा होता है, फिर त्रेता युग चलती है, इतनी तो चलती ही है, तो बताओ इतनी शानदार कमाई। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें कमी ना पड़े। तो कमी क्यों पड़ती है, तो सब कहते हैं कि बाबा और तो कुछ नहीं होता, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प हमारा टाइम खा जाते हैं। और व्यर्थ संकल्प आने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है कि बाबा कह रहा तुम्हारी कमाई है और तुम कमाई कर नहीं रहे, तो और भी ज़्यादा पश्चाताप होता है। मैं सोचता आते कि देखो हम आज का दिन चला गया, इतनी सी कमाई हुई, इतने टाइम में हमने बिंदियाँ लगाई, बाकी टाइम में चला ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो व्यर्थ कैसे नहीं करें, तो उसके लिए बाबा रोज बताता है हम सबको, आज भी बताया कि जो कुछ देख रहे हो इन आंखों से ये नहीं रहेगा। अब क्या हम सदा इस स्मृति में रहते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं नहीं रहेगा, केवल इतना नहीं है, लेकिन इसके